तो कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों से इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रही थी और कुछ प्रॉब्लम होने के कारण इस चैनल पर वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब से डेली एक ना एक वीडियो आपके चैनल इस चैनल पर आएगी। और आज हम आपको बता दें कि आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके बीच, वो टॉपिक ज़्यादा ही डिमांड है इस टॉपिक का। और अभी तक यूट्यूब पर इसका 100 से भी अधिक वीडियो होंगे, लेकिन अभी भी डिमांड है कि सर कैसे तैयारी करें, कैसे करें। मतलब हम जितना भी वीडियो था उस पर देखें कि हाँ हम कैसे तैयारी करें। देखने के बाद हम कहीं ना कहीं सोचे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, और वही हम लेकर आपके बीच आए हैं। और हम आपको बता दें कि हम कोई टीचर नहीं है, हम भी एक स्टूडेंट हैं, जो भी हम भी इसका तैयारी कर रहे हैं। और इससे पहले वाला में मेरा SSC GD का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका था, लेकिन मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण नहीं हो पाया। तो आपके साथ मैं इसका जो सिलेबस है उसका मैं के बारे में हम शेयर करेंगे, और विद प्रूफ बताएंगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे। और कहीं ना कहीं आपका अगर सही रणनीति के साथ इस पर फोकस कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो पर बने रहें, और आपको हम बताएंगे कि कहाँ से कैसे तैयारी करना है। और गर्मी बहुत हो रही है, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और फर्स्ट टाइम मैं वीडियो के सामने आया हूँ तो बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी आपके सामने जो भी होगा, हम लोग भाई भाई हैं, तो क्या है अगर अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। गलती होगा फिर सही होगा। तो बताएंगे कि आज हम SSC GD के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो इसी का टॉपिक लेकर आए हैं, और कैसे फॉर्म होगा, क्या यह सब ऐसे आप सब पता है, लेकिन कैसे हम तैयारी करें, इससे कैसे हम सिलेक्शन ले सकते हैं, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो जो आज बात है, सबसे पहले इसका कहां से और कैसे करें, एग्ज़ाम की तैयारी कहां से और कैसे करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्म तो आप कहीं से भी जाके भर सकते हैं, क्या चाहिए नहीं चाहिए सबको पता होता है, लेकिन कहाँ से और कैसे करें यही पता नहीं होता है। तो वही चीज़ हम आपको आज बताएंगे। तो नॉर्मल सी बात है, इसका CBT बेस्ड एग्ज़ाम होता है फर्स्ट फेज। नो, इसमें एक नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। चार सेक्शन होते हैं, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, GK GS प्लस करेंट अफेयर्स, हिंदी या इंग्लिश में से आपको कोई भी सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है। तो बता दें जो मैथ होता है, मैथ आपका 25 नंबर का होता है, 25 क्वेश्चन होता है और 25 नंबर का होता है। सेम रीजनिंग में भी वही 25 क्वेश्चन होता है और 25 नंबर का क्वेश्चन होता है। GK GS और करंट अफेयर्स में भी 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 नंबर का होता है। और हिंदी इंग्लिश में अगर कोई भी सब्जेक्ट को आप चुनते हैं तो उसमें भी 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का होता है। और आपको बता दें कि मैथ और रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर थोड़ा सा भी अगर इस पर आप फोकस करते हैं, अगर तैयारी अगर सही ढंग से करते हैं, तो 25 में 25 लाइएगा और इसमें भी 25 में 25 लाइएगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें 25 में 25 ला रहे हैं। और आपको बता दें कि इसकी तैयारी हमको कहाँ से करना है, किस बुक से करना है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और एक और बात बताएंगे कि मैथ में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, उसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे अभी इस वीडियो में। उसके बाद बता दें कि मैथ में आप बुक RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं, और विथ उसके साथ आप प्रीवियस ईयर को बनाना जरूरी है। आप कहीं से भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, और उससे प्रीवियस ईयर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि SSC 50-70% प्रीवियस ईयर को ही फोकस करता है। रीजनिंग में भी वही सेम चीज़ है, प्रीवियस ईयर को कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना हलवा SSC GD का होता है कि अगर कोई भी नॉर्मल सी तैयारी करता है, अगर ऐसे ही बैठ जाता है तो 15 नंबर कहीं दो मत नहीं है। लेकिन हमको टाइम उसी टाइम के अंदर करना होता है, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर प्लस अगर कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब पे से जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद सेम चीज़ GK GS और करंट अफेयर्स के लिए, आप GK GS के लिए आप लुसेंट बता देते हैं, लुसेंट का एक बुक है ये, जो कि रामबाण होता है सब एग्ज़ाम के लिए, लेकिन ये बुक देख लीजिए,
लुसियन सामान्य ज्ञान, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये भी होना चाहिए, लेकिन ये तो है इतना इतना होता है कि हम लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं। लेकिन ये अगर आपकी इसकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जीके जीएस में उतना प्रॉब्लम नहीं होगी। और करंट अफेयर सिक्स मंथ का, आप जिस समय से एग्जाम हो रहा है उससे सिक्स मंथ पहले तक का आप करंट अफेयर्स देख लीजिए, कहीं से वीडियो से या पीडीएफ से डाउनलोड करके या कहीं से बुक लेकर आप कर सकते हैं। हिंदी के लिए आप व्याकरण, लुसियन का व्याकरण ले सकते हैं और प्रीवियस ईयर को सब में प्रीवियस ईयर। इंग्लिश के लिए नीतू मैम का वॉल्यूम वन का बुक जो आता है वो कर सकते हैं और प्लस प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि मैथ और रीजनिंग, अगर आप स्कोर की बात करें, तो अगर 75 से ऊपर आप ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाता, आपका सिलेक्शन जरूर होगा वो किसी पोस्ट में हो। मैथ रीजनिंग में आप 25 में 25 लाइएगा और इसमें अगर 18 से भी 20 नंबर अगर आपका आता है 18 से 20 नंबर तो 25 25 50 हो गया और 36 नंबर 86 नंबर हो गया आपका। देखिए कितना अच्छा स्कोर, अगर इस रणनीति के साथ आप चलते हैं तो कितना अच्छा स्कोर आपका आता है। और बता दें कि अब की बार SSC GD पास स्लोगन रखिए और मोटिवेट भी होना है। अगर आप ऐसे मोटिवेट नहीं होइएगा, आराम से बैठे रहिएगा तो कहीं ना कहीं तैयारी सही से नहीं हो पाती है। और बता दें कि हम बोले हैं कि मैथ के टॉपिक के बारे में भी बताएंगे, तो मैथ कहाँ से कौन टॉपिक आएगा तो हम इसकी जानकारी दे दें। सबसे पहले बता दें कि हम ये अपने मन से टॉपिक नहीं रखे हैं कि हाँ यहाँ से इतना क्वेश्चन आ जाएगा, बीस पाने के लिए हम इतना झूठ नहीं बोलेंगे। हम तैयारी किए हैं और पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। और आपको विश्वास नहीं होगा तो हम बता देते हैं कि हमारे पास ये बुक आप देख रहे हैं, ये SSC GD का क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आपको बता दें हम पहले का क्वेश्चन नहीं लिए हैं। इस बार जो 19 में एग्ज़ाम हुआ है 11/2/2019 से 11/3/2019 तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का पैटर्न देखकर मैंने ये देखा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो मैथ के बारे में हम आपको बताएंगे, तो मैथ के बारे में हम आपको बता दें कि नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, LCM SCF से एक से दो क्वेश्चन मिलेगा, सॉरी एक ही क्वेश्चन मिलेगा, परसेंटेज से दो से तीन क्वेश्चन आपको मिल सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस से दो या तीन क्वेश्चन मिलेगा, डिस्काउंट से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, रेशियो से एक क्वेश्चन, पार्टनरशिप से भी एक क्वेश्चन मिलेगा, वर्क एंड टाइम एंड टाइप एंड सिस्टम से एक से दो क्वेश्चन मिल सकता है, मिलेगा ही मिल सकता नहीं मिलेगा, SICI से दो से तीन क्वेश्चन, एवरेज से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन मिलेगा, मेंसुरेशन से एक से दो क्वेश्चन आपको मिलेगा, अलजेब्रा से भी एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि ज़्यादा डेप्थ में नहीं रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, विन आरएक्स से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, पाई चार्ट से भी एक से दो क्वेश्चन मिलेगा। और बता दें कि जो तैयारी है, अगर इसके साथ आप तैयारी करते हैं तो ज़्यादा फोकस आपको RS अग्रवाल से करना है। अगर RS अग्रवाल को फुल कंप्लीट आप कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर के पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका 25 में 25 कोई नहीं छीनेगा। अगर आप चाहिएगा, अगर आपको कमेंट में बताइएगा कि हाँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। डेली एक सेट का मतलब डेली एक सेट 25 क्वेश्चन होता है मैथ का, 25 क्वेश्चन लेकर आपके बीच जरूर आएंगे अगर आपको कमेंट करते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि जीके जीएस पर भी हम वीडियो बनाएंगे कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, क्योंकि लुसियन इतना बहुत है, अगर इतना हम करेंगे तो फिर आज करेंगे कल भूल जाएंगे, तो इतना करना जरूरी नहीं है। कीजिए याद तो कीजिए कौन कौन मेन टॉपिक है, आप सिलेबस देख सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है और प्रीवियस से आप देख कर आप समझ सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। और आपको बता दें कि हम कल से डेली एक वीडियो लेकर आपके बीच आएंगे और जहाँ तक है हम अपने अपना एक्सपीरियंस आपको बताए हैं, और आपको जैसे लगे अब वीडियो, और फर्स्ट टाइम वीडियो में हम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा बोलने में तो आप बताइएगा कि कैसा वीडियो बना है और आगे क्या लोग आप किस सब्जेक्ट पर किस मतलब क्या चीज़ पर वीडियो पाना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यही आज हम वीडियो लेकर आए थे, SSC GD का फुल सिलेबस और मैथ में आपको हम टॉपिक बताएं कि इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आएगा और इस रणनीति के साथ चलते हैं तो आपको 85 नंबर कहीं कोई नहीं छीनेगा। तो इस बार और वैकेंसी भी अच्छा है, अगर इस बार नहीं आप लोग इसको ले सकते हैं, हम भी तैयारी करने हैं तो हमको भी लेना है, तो इस बार आपको नहीं हमको भी, अगर आपके साथ हम भी तैयारी कर रहे हैं तो इस
मतलब एसएससी जीडी में इस बार जरूर से जरूर हमको भी शामिल होना है और आपको भी शामिल होना है, तो जमकर मेहनत करना है। 40,000 से ऊपर वैकेंसी आने वाली है, तो मेहनत करना ही है, और मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। जो लोग कहते हैं कि हम लोग कर लेंगे, रीजनिंग इतना इजी है कर लेंगे, अरे कर लेने से नहीं होता है। अगर आपको आता है तो कर लेने से आता है, आता तो सबको है, लेकिन उस टाइम के अंदर करने कर लेता है वही चैंपियन होता है। और जो प्रैक्टिस कर जितना करता है उतना ही उसका दिमाग माइंड फास्ट होते जाता है, तो प्रैक्टिस जरूरी है। आप प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कीजिए, और आगे जैसे भी होती है, जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आती है, तो हम जरूर आपको बताएंगे। और यही सब वीडियो था। अगर आपको वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप जिस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड अपने भाई सभी के साथ शेयर करें। कहीं ना कहीं ये वीडियो मेरे समझ से अच्छा है, और आपकी आप आगे आपकी मर्जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।